फैसलाबाद से खबर शामिल करते हैं, जहां पर समाजी रहनुमा लाला रॉबिन डैनियल ने अपने बयान में कहा है कि सीपीओ सैयद अल नासिर रजवी का 13 साल मसीही बच्ची हूरब के अगवा निकाह और तब्दीली मजहब केस का सख्त एक्शन लेते हुए तफ्तीशी राना अहद को इंक्वायरी और 3 दिन में मुलजमान की गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। जबकि लाला रॉबिन डैनियल ने कहा है कि आज मुझे इंतहाई तसली हुई है, हमारे दरिंदा मुतालबे की सीपीओ ने तायद की कि कमसुन बच्चे मुसलमान हो या मसीही नकासगीन जुर्म है। मजीद उन्होंने क्या कहा, जानते हैं इस वीडियो में। 12 साल की बच्ची मसीही बच्ची जिसको 2 माह पहले थाना निशाताबाद के पुलिस से अगवा कर दिया गया, उसको चिन्हौर ले जाया गया। आज हम सुबह सीपीओ साहब से मिले थे, ये मुदैया हमारे मेरे साथ मरियम, मैं और ये मिले थे सीपीओ साहब से। सीपीओ साहब ने रात 8 बजे का टाइम दिया था, हम अभी सीपीओ साहब के पास ही होके आ रहे हैं। सीपीओ साहब ने इस पर इतना एक्शन लिया है कि उन्होंने जनाब अपना आईओ जो था, जो मुल्जमान के साथ मिलीभगत करने था, आईओ साहब अपना सीपीओ साहब ने उस पर उसको रिवर्ट कर दिया है। मैं सल्यूट मारता हूँ सीपीओ फैसलाबाद अपना के उन्होंने एक गरीब औरत के साथ इंसाफ का यकीन हमें दिलवाया और उन्होंने ऐसे जो कहा कि मुझे 3 दिन में तमाम मुल्जमान जो है वो गिरफ्तार चाहिए। अभी शादिया जी आपको बताएगी जो हमारे साथ थी। अभी हम सीपीओ साहब के ऑफिस से ही आ रहे हैं और हमारे लिए आई वुड रियली लाइक टू अप्रिशिएट द जेस्चर ऑफ सीपीओ के उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बात सुनी और उन्होंने जैसे एक होता ना अपनी मतलब हक अदा किया है अपने काम का, और वो हक ये अदा किया है कि उन्होंने तफ्तीशी को उसकी नौकरी से भी हटाया और उसको वक्त भी दिया, अपनी बेटी से शुरू किया, बेटी से शुरू करके उन्होंने तफ्तीशी से पूछा कि तेरी बेटी 13 साल की होती तो क्या आप उसको जाने देते। तो उन्होंने कहा कि ये नाबालिग बच्ची है, इसको माँ बाप के पास वापस जाना चाहिए और जितने भी यहाँ पर कल्प्रिट्स हैं उनको सलाखों के पीछे होना चाहिए। वो बताएंगी कि इन्होंने जो अपने आँखों से देखा सुना है कि क्या वहाँ पर कार्रवाई क्या हुई। पहला मीना 28 तारीख का वाकया है मेरी बच्ची को, ठीक है, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इन्हें ने भी सुनी हैगी, कभी चन्योर कभी निशाताबाद कभी किते कभी किते, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी है। सीपीओ साहब ने मेरा हक दिता, अज इंसान मैं कोटिया से टपाता रहा, बीबी कर दांगे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सुलोमा एस एच ओ भी उन्होंने कहता रहा है पर नेक नहीं मनी हैगी, कोई यदि गल मान लेता, हर बंदे ने मतलब पैसे लै ले उधरों लै ले दुकान वाले को लै ले कभी वो को लै ले खा पी के चल जी बह गया होता, मेरे को पैसा नहीं सीखा। बात को हम पूरी कम्युनिटी आज सलूट करते हैं जो उन्होंने हक अदा कर दिया। उन्होंने अपनी बेटी से शुरू किया, उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी 13 साल की होती तो मैं ये करता। उसने आईओ को और एस एच ओ को उन्होंने कहा कि अगर आपकी बेटी 13 साल की, उन्होंने कहा कि ये गंदा तरीन केस है और मैं इसका ये जुल्म है, तो मैं सीपीओ साहब को सल्यूट करता हूँ और पंजाब हुकूमत को भी उन्होंने सीपीओ साहब को इधर हमारे फैसलाबाद में लाए कि हम यहाँ पे इंसाफ हो सके।